ऐसा बंडल आने वाला है कि आपके तो तोते उड़ने वाले हैं, तोते। तो वन टू थ्री एंड गो। तो हेलो गाइस, मैं आई हूँ तो रिच बॉय के सेटअप पे। आया क्यों है तू? वो बहुत बोलते रहते हैं कि मेरे पास ये है, वो है, क्या है, ये बंडल वो बंडल बोलते रहते, बहुत बड़ाई मारते हैं, मैंने बहुत देखा है यार, ये कितनी औसम है यार। तो आज हम देखते हैं कि उनके पास क्या है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम कहाँ जाएंगे? वॉल। ओके, नहीं ये मैं गलत चली गई हूँ। Others, और ये है उनके 24 बंडल्स। क्या बोला तूने? 24 बंडल्स। ओह माय गॉड, ये देखिए कितने सारे बंडल्स उन्होंने जमा करके रखे हैं। आज हम उनके बंडल्स की पूरी वाट लगाने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, दिली की नागिन निकाली। लेट्स स्टार्ट। एक एक करके हम बंडल स्टार्ट करते हैं खोलना। उन्होंने एक भी बंडल्स ओपन नहीं किए, ये देखिए। तो आज हम उनके बंडल्स खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या है ये, कौन सा बंडल है। गेमर बंडल। ओ माय गॉड, क्या जैकेट है, ओ शिट, और क्या उसका रिमोट है, बाप रे बाप। और ये क्या निकल रहा है, मैजिक क्यूब। ओ माय गॉड, क्या बंडल है, ओ शिट। चलो आज इसको ओपन करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या शूज दिए हैं, ओ माय गॉड। अभी एक एक करके और एक बंडल ओपन करते हैं। ये कौन सा है? टिम्बर्ड ब्लूम्स बंडल। ये तो एकदम सा इटालियन जैसा या टर्की जैसा, क्या लग रहा है आपको, ये कैसा लग रहा है बंडल? टर्की जैसा या इटली जैसा? मुझे तो टर्की जैसा लग रहा है। पर क्या जैकेट है, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है। चलो इसको भी ओपन करके देखते हैं। ओ शिट, क्या बंडल है, वाव। व्हाइट हेयर, शूज तो देखो, वाव। इक्विप करते हैं इसको भी। लेट्स स्टार्ट। थर्ड बंडल कौन सा है? ओ शिट, व्हाइट कलर मेरा फेवरेट कलर है। क्या आग निकल रही है, फायर है, फायर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं पुष्पा, ये तो फायर है। और ये बंडल का नाम है झील बंडल। झील, ओके, झील बंडल। क्या इसको ओपन करें? नहीं। रिच बॉय ने तो ओपन नहीं किया है, बट हमें उसको ओपन करना है और उसकी बंडल को देखना है। ओ माय गॉड, ब्राउन हेयर, वाव, क्या बंडल है। इसको इक्विप करते हैं। ओ माय गॉड, अभी ये लड़कियों वाला बंडल है, ये तो मुझे चाहिए। मैं तो रिच बॉय को बोलने वाली हूँ कि ये मुझे दे दे। सीकर बंडल, ओ लेट्स ओपन इट। क्या फंकी उसकी पैंट है, जैकेट है, क्या ओपी वाला स्टाइल है। ओपन करके देखते हैं। ओ माय गॉड, क्या जीन्स है, उसकी ट्रैक पैंट, शूज, ओ हाई हील वाले शूज है। ये बंडल तो मुझे ही चाहिए। ओके, अभी ये वाला, ओहो पिंक एंड ब्लैक, ये तो चश्मे वाला मेरे जैसा है। चल छुट्टी। कैसा लग रहा है ये बंडल गाइस? गेमर बंडल। ओ माय गॉड, सही है, ओपी वाला बंडल है ये तो। गाइस आपको कमेंट में ये भी डालना है कि आपको कौन सा बंडल सबसे ज्यादा पसंद आया है। मुझे तो ये लड़कियों वाले बंडल बहुत पसंद आ रहे हैं। तो आपको भी अपना कौन सा बंडल ज्यादा रिच बॉय का पसंद आया है वो आपको हमारे कमेंट में डालना है। अब हम नेक्स्ट बंडल पे जाते हैं। ब्लेयर बंडल, क्या सेक्सी वाला बंडल है यार, ये लड़की तो क्या सेक्सी लग रही है। बंडल भी हाई हील वाले शूज है, ओ सही में एकदम ओपी है।
और बाल भी देखो, ये मेरे बाल, मुझे भी ऐसे वाले ही बाल करवाने हैं मेरे। कैसे लग रहे हैं, अगर मेरे पे सूट करेंगे ये बाल? नहीं। पहले बंडल तो ओपन करके देख ले। ओ माय गॉड, सेक्सो, सेक्सी वाला बंडल है ये तो। क्या बोला तूने? सेक्सी वाला बंडल है ये तो। अभी नेक्स्ट बंडल पे जाते हैं। आज तो मेरी बैंड बजने वाली है, सारे बंडल मैंने ओपन करके रख दिए हैं और ओड भी है, वो भी मैं ओपन करके रखने वाली हूँ। और ये वाला बंडल कैसा लग रहा है? गार्डियन बंडल, ये लग भी रहा है गार्डियन जैसा। और ये बंडल है, ओपन करते हैं इसको। ओ हो हो, वाइट वाला बाल और ग्रीन वाला जैकेट, सेक्सी है कि नहीं है ये बंडल? मुझे तो लग रहा है अच्छा, पर मुझे सबसे ज्यादा तो वो पर्पल वाला अच्छा लगा, जिसके बाल पर्पल कलर के थे। ओ हो, बेल बॉटम पैंट और नाइट बंडल, क्या बात है। इसकी एक आंख क्यों नहीं दिख रही है, इतना फाड़ू बंडल है बट आंखें छुपा दी है इसकी तो। ओ शेट, सारे ओपन करके रखने हैं तो ये भी ओपन कर देते हैं, जो 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 होगा देखा जाएगा। ओ माय गॉड, मुझे इसका जैकेट बहुत फ्रल वाला बहुत पसंद है। ओ शेट, इक्विप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट बंडल पे। ये क्या है, ये अपने काम का चीज नहीं है। ओ माय गॉड, डैम बंडल, और ये डैम भी है, डैम बंडल, बंडल है जैसा नाम है वैसा बंडल भी लग रहा है मुझे तो। गोल्डन एंड ब्लैक का लुक दिया है, और ये लड़कियों वाला, लड़कियों का बंडल है तो ये तो मुझे ही मिलना चाहिए गाइस। अभी मैं रीच बॉय को बोलने वाली हूँ, जितने भी लड़कियों वाले बंडल है वो मुझे चाहिए, आपको क्या करने हैं ये वाले बंडल्स, तो लेट्स ओपन इट। सही यार, और कितने बंडल्स है। ओ हो 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 हो, वेट वेट वेट, किधर जा रहा है? और 15 बंडल रह गए हैं और हम अभी चलते हैं नेक्स्ट बंडल पे। ओ, ये धोती कुर्ता पहन के किधर निकला? ओ माय गॉड, ये क्या बंडल है, गैलेक्सी बंडल लग ही रहा है। ये कौन से गैलेक्सी से आया है भाई, ये कौन सा है प्राणी, आदिवासी लग रहा है ये तो मुझे बिल्कुल। गजब बेइज्जती है, हरा भरा कबाब जैसा, और मुझे लग भी रहा है वैसा, ग्रीन एंड ब्लैक का लुक दिया है, ओपी लग रहा है सही में। इसका बुलेट भी 3-3 सीधा दिल पे चुभ रही है मुझे तो। अरे बस कर भाई, चलो इसको खोलते हैं। शूज भी ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा ही बना है, सिर्फ पगड़ी की जरूरत है इसको। लेट्स सी, ये बंडल इक्विप करते हैं, अच्छा तो लग रहा है। लेट्स, लिया है तो ओपन तो करना ही है, देखते हैं। इक्विप कर दिया है और अब बचे हैं 12 बंडल्स, चलो ओपन करते हैं नेक्स्ट बंडल। बॉय बाय फ्रंट रेंजर बंडल, ओ माय गॉड, ये बंडल्स के नाम भी ऐसे हैं ना कि रीड करने को बाप रे बाप, इंग्लिश की पूरी बैंड बज जाती है। फाड़ू है, फाड़ू ठीक है, जैकेट मुझे ज्यादा पसंद है ग्लेयर से, पर ग्लेयर्स है कैप सब अच्छा ही है इस बंडल का। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट बंडल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रॉक बंडल, वाओ रॉकर बंडल, और उसके हेड पे भी लिखा है रॉक, और ये रॉक जैसा लग भी रहा है। यो यो, और सही में यार साड़ू चुम्मेश्वरी बंडल है ये, इसका बेल्ट है यार क्या लग रहा है, लेदर का जैकेट है, और ये भले अपना फेस नहीं दिखा रहा है, ये फेस ढक रहा है, बट ये बंडल उसके जो दांत निकल के आ रहे हो ऑसम है। फाड़ू मतलब फाड़ू बंडल है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बंडल। लेट्स ओपन इट एंड इक्विप।
लेट्स गो फॉर नेक्स्ट बंडल. ओ माय गॉड, ये भी बंडल बहुत अच्छा है और ये ओपी है. ऐसा लग रहा है वो मुझे स्माइल कर रहा है. हाँ, हिल रहा है ये बंडल और ऐसा लग रहा है मुझे स्माइल कर रहा है. तो भाई मैं भी तुझे स्माइल करती हूँ और ये ओपन करती हूँ ये बंडल को. तो हम चाहते हैं अब नेक्स्ट बंडल पे. ओ, 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 ओ मैं तो बीमार हो गई ये बंडल देख के. और ये लग भी वैसा रहा है, ब्लड लस्ट बंडल. क्या बंडल है ये, पक्का किसी डॉक्टर को देख के, डॉक्टर किलर डॉक्टर को देख के बनाया गया है ये. गरीना वालों ने ऐसा लग रहा है कि किसी किलर डॉक्टर जो किल करते हैं, ऐसे तो डॉक्टर्स किल नहीं करते हैं, बट ये बंडल ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्टर किल कर रहा है. तो ये बंडल मुझे वैसा लग रहा है. इसको भी हम इक्विप कर ही डालते हैं ओपन. और ये ले लिया हमने, इक्विप कर लिया. ओ हो गया. अभी चलते हम नेक्स्ट बंडल पे. ऐसा लग रहा है कि कोई एवेंजर उतर के आया हुआ है. आयरन मैन जैसा ये बंडल लग रहा है. ब्लैक एंड येलोइश गोल्डन जैसा इसका लुक है, बट ओपी वाला लुक है. सैंड्स बंडल इसको कहा जाता है. सैंड्स बंडल मतलब ये आप देख लो कि रिच बॉय ने कितने बंडल्स है जो ऐसे छुपा छुपा के रखे पड़े हैं. ओपन करके इक्विप कर देते हैं भाई लोग. अभी आया, बहुत हो गए बॉयज वाले बंडल. अभी चलते हैं गर्ल्स वाले बंडल में. पहले भी आ गए चार पांच बंडल, उसमें मुझे लवेंडर वाला बंडल ज्यादा पसंद आया था क्योंकि मुझे मेरे बाल को गोल्डन से लवेंडर बनाने है. तो अभी यहाँ पे ये कौन सा बंडल है देखते हैं. ओ माय गॉड, ये तो रानियों वाला बंडल है. तो मुझे भी ये बंडल चाहिए क्योंकि मैं अपने वर्ल्ड की रानी हूं. तो ये बंडल का नाम है प्रिंसेस बंडल, जो लग भी रहा है नाम के हिसाब से ये बंडल है भी. तो इसको ओपन करके इक्विप कर ही देते हैं. तो नेक्स्ट बंडल पारू किंग जैसा लग रहा है और मेरे तो होश उड़ ही गए हैं क्योंकि ये लड़का भी बहुत अच्छा है. जो पहला मुझे स्माइल कर रहा था यही वो लड़का है, सिर्फ कपड़े बदल के आ गया है बंडल में. बट अच्छा लग रहा है ये वाला बंडल. ये सारे बंडल्स है ना गाइस, ये प्रो बंडल्स है. तो हमें ये रिच बॉय ने तो लेके रख लिए प्रो बंडल्स. ओपन क्यों नहीं किए थे इतने दिन तक, चलो आज हमने ओपन कर लिए. सेक्सी बंडल है, सेक्सी वाला बंडल है साला, बहुत ही फाड़ू बंडल है. क्या लग रहा है यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि ये बंडल के लिए मैं क्या बोलूं. अगर ये बंडल पहन के कोई लड़की गई तो सारे लड़कों की तो वाट है भाई, वाट. ऐसा वाला बंडल है ये. और ये सही में बहुत ही फाड़ू वाला बंडल है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये. गाइस देखो, मैं लड़की हूं ना तो मुझे लड़कियों वाले बंडल ज्यादा पसंद है, बट ये वाला बंडल भी बहुत अच्छा है. और मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रही हूं कि आपको कौन सा बंडल अच्छा लग रहा है. प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा वाला बंडल अच्छा लगा. और ये बंडल का नाम है कार्डिनल बंडल और इसको भी हम ओपन करके इक्विप कर देंगे. नहीं नहीं, सेकेंड लास्ट बंडल पे. और ये ओहो, क्या उसको बटरफ्लाई जैसे, ये आई थिंक सो पिकॉक जैसा लग रहा है, क्या बोलते हो पब्लिक. और ये बंडल का नाम है बेंजरिंगर बंडल. क्या बोला तूने? बेंजरिंगर बंडल.
ओ माय गॉड, ये नाम भी इतना हार्ड है, कोई आप प्रोनाउंस कर सकते हो तो प्लीज कमेंट में परफेक्ट प्रोनाउंस करके मुझे बताइए। असम बंडल है, तो इसको भी हम ओपन कर ही देते हैं और इक्विप भी कर देते हैं। और गाइस अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ऐसा बंडल आने वाला है कि आपके तो तोते उड़ने वाले हैं। तोते, तो 1, 2, 3 and go! Oh my God! Wait a minute! वाह 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 वाह, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। कल इसी को लेके वीडियो रीज बॉय ने डाला था, और ये बंडल गाइस कौन सा बंडल है, जो बंडल गरीना वालों ने रीज बॉय को स्पिन्स के टाइम पे नहीं दिया था, ये बंडल है समुराई बंडल। ओ माय गॉड, और ये बंडल रीज बॉय ने, ओ माय गॉड, मतलब कितने डायमंड्स उन्होंने खर्चे हो गए इसके लिए, स्पेंड किए हो गए। ओ फाड़ू बंडल है, ओ शिट यार, क्या बंडल है, ओपी 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 बंडल है, कत्ते ही जहर, मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले, मतलब ये भी नहीं चोरा रिच बॉय ने, मतलब ये भी ले ही लिया, भले डायमंड खर्चे हो गए, आई डोंट नो कितने, अब पता चलेगा जब ये सारे बंडल्स के बारे में रिच बॉय को पता चलेगा, तब हमको भी पता चलेगा कि ये बंडल के लिए रिच बॉय ने कितने डायमंड खर्चे हैं। बट यार सही में यार, गरीना वाले ने क्या बंडल बनाया है, और क्या एबिलिटीज उसकी, जो सही में बहुत ही फाड़ू बंडल है। तो गाइस 1, 2 and 3, और इसको भी ओपन कर ही दिया हमने, तो फाड़ू सारे बंडल्स हमने यहां पे ओपन कर दिए हैं। लेट्स सी जब रिच बॉय अपना आईडी पे आएंगे और देखेंगे कि ये बंडल्स की तो पूरी वाट लगी पड़ी है, तभी तो मेरी बैंड ही बैंड है, मेरी तो वाट लगने वाली है। पर गाइस मुझे बहुत मजा आया रिच बॉय की आईडी पे जाके उनके बंडल्स खोलने को, और वो बंडल्स के बारे में देखने को मुझे तो बहुत पसंद आया, और मेरा तो वो समुराई बंडल, ओ माय गॉड, ओपी वाला बंडल है। हमने तो हमारा काम करके छोड़ दिया है गाइस, अब हम देखते हैं डायमंड्स भी 5717 डायमंड्स इनके पास पड़े हैं, और उसे भी हम खर्चेंगे। क्या बोलती पब्लिक, खर्चना चाहिए कि नहीं? डायमंड्स भी है जो 5717 डायमंड्स उनके पास पड़े हैं, तो वो डायमंड्स की भी हमें वाट लगानी है, तो हम कुछ तो खरीदते हैं, वो डायमंड्स को यूज करते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, रिच बॉय जो भी करेंगे देखा जाएगा। तो हम जाते हैं यहाँ पे मोको स्टोर्स में, देखते हैं इसमें कुछ खरीदे हैं कि नहीं। ओ तो ये तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, 1, 2, 3 and confirmed, और हमें इसको कन्फर्म करना है। तो ये क्या आया, स्पिन, तो चलो गाइज हम इसमें 9 diamond पे स्पिन है, 1, 2, 3 and go। ये क्या है, स्पिन 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 स्पिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमें मिल गई है ये वाला स्कीन, तो ओके कर ही देते हैं, और 1 more स्पिन है, इसको 1 more और करते हैं, और वापस 90 diamonds पे ये है, वापस
चकलक बुम 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 कुछ नहीं मिला। ये क्या यार, ये क्या मिल रहा है, क्या करे, स्पिन करे वन मोर 49 डायमंड्स पे, चलो कर ही देते। और यहाँ पे डोंट रिमाइंड मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन स्टार्ट। अभी तो कुछ अच्छा मिल जाए। ओहो ये भी मिल गया, चलो 99 डायमंड्स भी स्पिन कर ही देते। अरे यार ये 199 अभी खर्चे कि नहीं खर्चे यार, खर्च लेते यार, अभी जाने दो, इतने किए हैं तो ये सभी करने ही है हमें। चलो और, ओ अभी तो और बढ़ता जा रहा है डायमंड्स। गरीना वाला भी बहुत ही स्मार्ट है, एक पहले 9 डायमंड से फिर 99 फिर 199 अभी 499 वाला है, चलो स्पिन मार ही देते हैं। और ये हमें क्या मिला है, ओ ये मिल गया, यस। नेतर अगर नहीं मिलता तो पता है कि इतने डायमंड्स के बाद भी मिला नहीं तो मेरी तो वाटी लगा देता था और गला दबा के बीच बॉय मेरी बैंडी बजा देता था, कवर खोल देते थे वो। उससे अच्छा तो मिल गया, भगवान का शुक्रिया। तो चलो गाइस हमने यहाँ पे ओके करके ये बंडल तो ले लिया है और ये ओपन भी करते हैं, तो कर देते हैं कैसा है ये, इक्विप भी कर ही लेते हैं। और ये हो गया कंप्लीट, तो ये बंडल हमको मिला है और ये बंडल तो कत्ते ही जहर वाला बंडल मुझे तो लग रहा है गाइस, और सही में फाड़ू बंडल है यार मेरा। गाइस ये ब्लैक कलर बहुत ही फेवरेट है और ये हरा भरा कबाब भी बहुत ही फाड़ू लग रहा है और सही में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बड़ा शुक्रिया गरीना वालों के मैंने रीच बॉय के जो डायमंड्स यूज किए हैं उस हिसाब से आपने मुझे बंडल्स दिए और थोड़ी बहुत मेरी जो जान बचाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइस थैंक यू सो मच, ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए रीच बॉय को और सपोर्ट आप लोगों का देते रहिए। मैं अगेन एंड अगेन आती रहूंगी और रीच बॉय वाईटी की बैंड आईडी की बैंड बजाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय गुड बाय।